कंपनी वाले भी देख रहे हैं कि बंदा कर क्या रहा है, बंदा भाई बैग लगा के छोड़ेगा। कैन आई रिकॉर्ड माई सेल्फ? अभी बोला है कि दे देंगे पेपर वर्क, इंशाल्लाह एक महीना डेढ़ महीना लगेगा, इलम नया देंगे। लेकिन ये जो रिएक्शन दिया है ना भाई इसने, वाह वाह मजा आ गया। स्वागत है आपका अगले एपिसोड में। जो बंदे बोलते हैं कि ऐसे ही टायर चेक कर लेते हैं जो प्रोफेशनल ड्राइवर है, वो तो भाई अपनी आंखों से मालूम कर लेते हैं कि टायर फ्लैट है या नहीं है, लेकिन मेरे से आज तक ऐसा नहीं हुआ। मेरे को थोड़ी मारनी पड़ती है भाई, फिर ही मालूम पड़ता है। ये भाई कार फ्रेम है और ये इसके गियर लगे हुए हैं, ऊपर करने वाला नीचे करने वाला, सील लगी हुई है। ओह ये रात को मैंने आपको दिखाया था ना, इसको बोलते हैं प्रो लेवल भाई। मैंने दुबई में ये वाला लोड कभी नहीं लगाया, बहुत सारे लोड लगाए हैं। ये दुबई में लो बेड का काम था, ये लो बेड होता है नीचे वाला। और ये देखो ये यहाँ से अलग हो जाता है, अलग करके फिर इसको नीचे डाल लेते हैं, फिर यहाँ से मशीन ऊपर जाती है। और ऐसे वाले जो लोड होते हैं ना वो ऐसे वाले ट्रक ही लेके जा सकते हैं। देखो कल ही मेरे को खबर आई, 2018 मॉडल ट्रक है, 9.5 लाख चला हुआ है, उसकी मोटर हो गई गल। ट्रक है 565 सुपर बी के ऊपर चलता है, चलता कहाँ है, एडमिंटन से बीसी। इतनी मारनी पड़ती है ट्रक को, लेकिन फिर भी 9.5 लाख के ऊपर कमिंस की मोटर डेप उसने रिमूव कराया हुआ है। कैड की मोटर कैड की है, कैड को कोई बंदा बीट नहीं कर सकता। हाँ एवरेज में बीट कर रही है इन मोटरों ने, लेकिन उसकी खिंचाई और उसकी परफॉर्मेंस को कोई बंदा बीट नहीं कर सका। इसलिए जब से डेप सिस्टम चालू हुआ है, कैट वालों ने अपनी मोटर ट्रकों में देनी बंद कर दी कि भाई हम मोटर ही नहीं देंगे ट्रकों में अपनी। भाई ये कल रात को कत्ल हो गया, बहुत बड़ा कोई, और ट्रक के ऊपर निशान पड़ गया इसका। लोकेशन वालों के साथ में चक्कर पड़ गया, यहाँ पे इनकी लोकेशन शो हो रही है। पैदल जाके आए हूँ भाई, 100-200 मीटर के अंदर जगह टाइट है, अपना ट्रेलर बहुत हैवी है। जब आपका हैवी ट्रेलर होता है ना तो हर जगह में ट्रेलर लेके जाना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ से राइट, फिर राइट। मैप में उनकी डॉकें शो ही नहीं होती, कि जब मैप के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता फिर कॉल करनी पड़ती है उनको कि भाई आपकी डॉकें कहाँ पे, क्योंकि हमारे पास होते हैं बड़े ट्रेलर, तो ऐसे प्लाजों के अंदर लेके घूमेंगे ना तो कहीं टायर टूर करो के ऊपर आ गया ना तो बूम की आवाज आएगी और पटाखे पड़ जाएंगे। छोटी कंपनियां जो होती हैं जिनके पास में एक दो डॉके होती हैं, उनका थोड़ा सा चक्कर पड़ता है। भाई रुक जा, पत्थर पड़े हुए हैं पार्किंग के पास में, तो ट्रक जाएगा कैसे अंदर भाई। ये तो भाई आसान है ना, ये वाली डॉक है यहाँ पे पिक्का लगा हुआ है, ये आसान है। मेरे को जाना है वो अंदर कॉर्नर में, उसके आगे जगह नहीं है। अभी ये साइड लेता हूँ पहले, आहिस्ता पीछे लेके जाएंगे, किसी को टच नहीं करेंगे। इसके ऊपर वायर भी है इलेक्ट्रॉनिक, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई घर जाने के लिए। अभी तो ट्रक टेढ़ा है भाई, लहू पी रही है भाई, लेकिन हम भी सीधा करके छोड़ेंगे। मजा ही क्या उस काम का जिस काम में थोड़ा बहुत रिस्क ना हो। कंपनी वाले भी देख रहे हैं कि बंदा कर क्या रहा है, लेकिन बंदा भाई बैग लगा के छोड़ेगा। अभी आगे जगह देखो, इसके आगे ट्रक और ट्रेलर कहाँ सीधा होगा, वो वहाँ से रिवर्स लेके आए हम लोग, यहाँ पे 4-5 बार बैक करके फिर रिवर्स लगाई है भाई। ये देखो जो मेरे से पीछे वाला ड्राइवर आया ना, ये उसके काम है, लोडेड ट्रेलर का लैंडिंग गियर नीचे उतार दिया, वो नीचे दस गई जमीन वहां से। ये देखो ये भाई घर से राइड करने के लिए निकला है और इसकी अपनी दूसरी राइड हो गई।
बात सुन, हेलो, मेरी बात सुनता ही नहीं। जब भी टिम मॉडर्न का बोर्ड देख लेता है ना, ये अपने आप ही उधर को जाना शुरू हो जाता है। हेलो, देख, ये देखो, अपने आप खुद जा रहा है। टिम मॉडर्न को जब मैं देख लेता ना, मेरा ट्रक देख लेता है, तो मैं ये ऑटो पायलट हो जाता है भाई, बाद में सुनता नहीं किसी की। ये बिजी हाथों से छीन छीन के लेके आने पड़ रहे हैं भाई रैप। ये लोकेशन देख के ना मेरे को अपने फिर पुराना दिन याद आ गया। आज फिर से थैंक यू कर देते हैं भाई पीटर बेल्ट वाला था, जिसने अपनी चेन निकाल के और अपने को खींचा था आगे। अभी ये मत बोलना कि ये मेरे को अच्छा नहीं लगा किसी को। देखो ग्रीन कलर का पीटर बेल्ट लॉन्ग नोज। जब से मैं बीसी का ये वाला ट्रिपल गा के आया हूँ ना, तो मेरे मन में जो कैट की इज्जत है वो और बढ़ गई। जिसके आगे मूस बम्पर लगा हुआ है, मूस बम्पर का भी एक अपना ही टॉर है। ये बंदे ने देखा ही नहीं 100 की स्पीड के ऊपर ट्रक को ना हाईवे के ऊपर लेके आया। ये अभी शक्ल नहीं कर रहा मेरी तरफ, दिमाग खराब हो गया। खाली टेलर था इसलिए ब्रेकिंग लग गई। देखा ना आपने कितना धुआं उठाया हुआ था, ये अंदर से निकला है, अंदर से। उसके पास में टैंकी है, फ्लेमेबल लिखा हुआ ना पीछे, उसके पास में केमिकल है। बंदे ने एक बार भी नहीं देखा, सीधा पीछे से आया, कोई स्टॉप साइन नहीं, सीधा ऊपर चढ़ा दिया इसके। I am just a driver, so I have just one question about the logbook. Can I record myself? Myself. So when we come on this ramp, so the screen is saying like on the drive tire 17,200. So that's 200 more than 17,000. You are not stopping me. It's winter weights, it's 18,000. Okay. Just to change your example to 18,200, 18,300. So 18? Yeah. So 18 in the winter time, tandem axle group. You're allowed 18,000. Okay. What's the name of your YouTube channel, sir? Karan Chugao, actually. How many subscribers do you have? 400K, actually. 400K? Yeah. Very appreciated, like, yeah. अभी आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा भाई किसकी टिकट कितने की है। तो ये मेरे पीछे स्केल है, स्केल के ऊपर इंस्पेक्शन चल रही है। तो मैंने बहुत बड़ा दिल निकाल के इन लोगों ने मेरे को रोका, मेरी लॉग बुक चेक की और मेरे को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातें जानने वाली थी। जैसे बहुत सारे बंदों का क्वेश्चन रहता है कि अगर हम स्केल के ऊपर जाते हैं तो कितना वेट छोड़ते हैं। वो बोलते हैं कि 17,000 से ऊपर गर्मियों में वेट है तो आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर सर्दियों का टाइम है छोड़ देंगे आपको, अगर आपका वेट 18,000 तक का है सर्दियों में, गर्मियों में नहीं। एक मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जब आप शिपर के पास जाते हो कितना ऑन टाइम डालना है शिपर के पास जाके। अगर आपने डोर ओपन किए, डोर ओपन करके आप चले गए ट्रक के अंदर स्लीपर बर्थ में, तो आपके 3-4 घंटे लगते हैं। आप ऑन टाइम नहीं डालोगे, आप उसको ऑफ टाइम या स्लीप टाइम डालोगे अपने। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो वॉशरूम करने के लिए रुके हैं, उसके लिए हमको 2 या 3 मिनट का टाइम लगा है। वो बोलते हैं कि ऐसा करने के लिए अगर आप 13 घंटे की ड्राइव में रुकते हो 2 या 3 बार या 4 बार, तो आपको लॉग बुक में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 मिनट को आप 4 मिनट को भी आपको छोड़ दिया जाएगा, उसको ड्राइव में ही रहने दो। लेकिन अगर 15 मिनट का टाइम लगता है तो आपको हैव टू अपना स्टेटस चेंज करना होगा, ड्राइव में से निकाल के उसको डालना होगा, चाहे आप ऑफ टाइम में डाल दो। ये ऐसा ये लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। बहुत बड़ा दिल निकालना पड़ता है इनसे क्वेश्चन करने के लिए। ये भाई को भी रोका हुआ है, प्रॉब्लम मालूम नहीं क्या है इसको। Can't do anything, man. ये वाले ट्रक वाले को सुबह 10 बजे का रोका हुआ है, कोई गलती है तो क्या करें, गलती है तो गलती है। इन्होंने आपको जिस काम के लिए रोक लिया, बस रोक लिया, उसका कोई हल नहीं है, आपको रुकना ही पड़ेगा। जैसे मैंने भी आपको बहुत बार बोला होगा कि 100 किलो ज्यादा हो गया तो $1,000 की टिकट है। अप्रोक्सीमेट आइडिया ऐसा होता है, लेकिन हमारा एक सिस्टम होता है, पुलिस वाले ने खुद बोला, सिस्टम में हम लोग डाल देते हैं, डालने के बाद हमको जो वहां से आउटपुट मिलती है उतनी टिकट मिलेगी। इनके सिस्टम के पीछे एक सिस्टम है, वो सिस्टम डिसाइड करता है। मैंने बोला यार बहुत सारे बंदे होते हैं आपकी गाड़ी को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप लोग सही हो तो हम भी सही हैं, अगर आप लोग गलती करोगे हम तभी रोकेंगे, अदरवाइज नहीं रोकेंगे। बिल्कुल सही बात है, बड़े आराम से बड़ी इज्जत मान से उन लोगों ने मेरे से बात की है, मेरे को बताई सारी चीजें। उनका कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें जिस भी प्लेट का नंबर डालते हैं उसका सारा वही खाता उनके सामने आ जाता है। अच्छा।
छुछू आ गई। पंजाबी में बोलते ना कि पूंडा नहीं खखर हाथ पाया, वो बात हो गई थी भाई। बड़ा दिल निकाल के बड़ा दिल निकाल के उनसे ये वाले क्वेश्चन किए। लगा दी लाइटें भाई किसी को, जब भी पुलिस वाला लाइटें लगाता है ना तो अपनी स्पीड 60 पे लेके आनी होती है, किसी को प्यार देगा अभी। ये पहले पुलिस वाला इधर से इस तरफ गया, बहुत भगा के ले गया है कार वाले के पीछे, और कारण क्या होगा? ओवर स्पीड। आपके दिमाग में कोई सवाल है, यहाँ पे ट्रक चला रहे हो और आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कि अगर मेरे को मालूम हुआ तो ठीक है, लेकिन मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है। फिर किसी दिन टॉनिक पी के ना ताकत वाला फिर जाके पूछूंगा भाई, क्योंकि यहाँ पे मेरा लाइसेंस ही मेरा सब कुछ है। क्या पता अगर वो इंस्पेक्शन कर देते मेरी तो कोई ना कोई गलती निकल आती। तो ये लो भाई, ऑफ रोड का मजा लो, पीछे पीछे जाके सीधा सबवे के ऊपर रोकेंगे, भूख लगी हुई है। ये ऐसे पीछे पीछे घूम के जाएगा सीधा ब्रेंडन वाले हस्की। बाइक भी लेके आ सकते हो आप इस रोड के ऊपर, और यहाँ पे आप साइड पे लगा के रात को सो भी सकते हो। बात सुनो, हेलो तो करो, ऐसे करो ऐसे। यस, ये बजी मिले यहाँ पे, इन्होंने दूर से पहचान लिया मैं जा रहा था सबवे में, ये बोलते हैं कि यहाँ आओ। गाड़ी इसलिए लिखा हुआ है पेटा पेटा। ये बढ़िया लगा यार। ये भाई ब्रेंडन पेटा पेट वाली लोकेशन है, वो सामने जैसे मेरा ट्रक लगा हुआ ना ये वाला, तो हस्की के सामने। लेकिन मेरे को मालूम है अपने सर्कल वाले बंदे जो है सबवे और टिम वाटर पे जाते हैं, लेकिन अगर आपको कभी भी जरूरत है तो यहाँ पे बहुत सारा मेनू है अच्छा है। और वेजिटेबल में कौन सा था? वेजी में फलाफल और ब्लैक बीन। वेजी में कुछ खाना है? फलाफल और ब्लैक बीन। नाम मुश्किल है, ब्लैक बीन। भाई देखने में ऐसे लग रहे हैं ऑनर हैं यहाँ के। वो भाई अपने कैजुअल ड्रेस में घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। सारा स्टोर इनका है एक्चुअली यहाँ पे। यहाँ पे रुका करो यार, यहाँ पे कॉल करके तो आपका सैंडविच रेडी रखेंगे, पकड़ो निकलो यहाँ से। मैं तो जा रहा था सबवे के ऊपर, लेकिन ये अपनी वीडियो देखते तो बोलते हैं कि हमारी बहस हो रही थी दोनों की, वो बोलता था भाई इधर आएगा, और ये भाई साहब बोल रहे थे नहीं मेरे को मालूम है सबवे पे जाएगा। मैं एक्चुअली सबवे पे जा रहा था, लेकिन इन्होंने बाहर निकल के हाथ मारा कि भाई आज इधर आया। ये भाई सब फ्रूट की वैरायटी, इस बंदे को पहचान लो, इससे ही मांगना है आगे रहा है। इसको क्या बोलना है भाजी, इसको क्या बोलना है जब ऑर्डर करना है? फ्रोजन योगर्ट। पंजाबी बंदा है, इसको आगे बोलना है कि भाई दही चाहिए, जमा हुआ दही। उसमें फ्रूट डाल के दे दो ना, फ्रोजन योगर्ट बोलते हैं इनकी भाषा में। वो वैसे नहीं कर सकता जैसे वो ऊपर उठा उठा के फेंकते होते हैं। लेटस नहीं पानी थी, मशरूम नहीं पानी। पाइनएप्पल तो अपना फेवरेट है यार। पूछते हैं इसमें ट्रक में फ्रीजर है? मैंने बोला भाई वॉशरूम नहीं है, बाकी सारा कुछ मिलेगा ट्रक में। बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू। अच्छा लगा। जब भी ब्रेंडर में आते हो गिरो इन बंदों को पेटापेट। बोलते हैं कि जब भी आओ आपके लिए पेटापेट खुला है। ये तो मैं आपको अभी टेस्ट करके बताऊंगा कि ये टेस्टी है या नहीं टेस्टी है। लव इट मैन, लव इट। फ्रोजन योगर्ट भाई, ट्राई करो यार, मजा आएगा। नहाई धोई का टाइम आ गया भाई, नहाई धोई का टाइम आ गया। यस ओ भाई, इसको साइड पे कर। भाई पीछे कर ले, तेरी सीढ़ियां आ रही हैं बीच में, ऐसा ना हो तेरा शेड आ जाए साथ में। शेड इनके ना काफी खुले होते हैं, लेकिन खुले तब होते हैं जब आप सीधा आ रहे हो, उधर से एकदम ऐसा काट के ऐसा अंदर लेके जाना पड़ता है इनके शेडो में। पांच मिनट में वॉश हो गया भाई, पांच मिनट। बाहर निकलने के टाइम में इतना ख्याल करो, इन लोगों का शेड साथ में नहीं लेके आना हमको। सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया, मेरे जैसे लाखों भाई और चलते हैं, इसलिए मैं कभी ये नहीं बोलता कि ये काम मैंने किया है, मैं ही कर सकता हूँ। नहीं भाई, 2300 किलोमीटर जाने जाने में 1150 किलोमीटर सरी से सास्काटून, सास्काटून से 800 किलोमीटर 850 किलोमीटर विनीपैक। मैंने ट्रेलर यहाँ पे उतार दिया वॉश करवा के, अभी अकेली बॉब टेल लेके वापस विनीपैक। बाकी चढ़ती क्रम में अभी मेरे को सबसे जो क्रेविंग हो रही है, मान सिंह मेरे को देख के कैसा फील करेगा पांच दिन के बाद में। कितनी आवाज थी यार ट्रेन की, अभी कितनी शांति हो गई। मैं चला चला के मेरा गला फट रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको पूरा पांच दिन ट्रकिंग लाइफ दिखाई है कि सुबह से लेके शाम तक ट्रक ड्राइवर किन किन प्रॉब्लमों से निकलता है, क्या क्या इंजॉय करता है। आपका खर्चा ये वाले ट्रिप में कोई नहीं होता,
मेरा खर्चा क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मेरे को बाहर से खाने की आदत है। सेविंग के हिसाब से चलते हो तो ये वाले ट्रिप में आप सारा फूड अपने घर से लेके जा सकते हो, चाय का सामान भी घर से लेके जाओ, अंडे घर से लेके जाओ, सारा कुछ ट्रक में बना सकते हो, आपका एक डॉलर का भी खर्चा नहीं आएगा। तो ट्रक से हमने सामान निकाला है, अभी इसका शुक्रिया करेंगे जाने से पहले, क्योंकि 5000 किलोमीटर सफर करके आए यार। लेकिन आपको एक भाई से मिलाता हूँ, ये देखो ये भाई है, ये आए हैं इंडिया से हैं लेकिन दुबई में रहते हैं, सऊदी में, सऊदी में रहते हैं। हम तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस लेके बोलते हैं कि हाँ भाई मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना हो गया। ये भाई साहब 30-35-40 साल हो गए। मैं हर बार बोलता रहता हूँ कि दुनिया ऊपर से ऊपर है, इसलिए अपने आप को बेस्ट मानने से क्या फायदा, सीखो। टोरंटो जा रहे हैं, टोरंटो से आए अपनी कंपनी में। और आपको इस कंपनी का मालूम कैसे पड़ा था? आपके थ्रू पाजी, पाजी के वीडियो देख देख के मैं। तो अभी हमारी कंपनी ने अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा पाजी, और आपका नाम लिया तो मेरी इज्जत और बढ़ गई। का थोड़ा सा मतलब की प्रॉब्लम है, कोई ऐसा टेंशन काम बिगड़ा हुआ था ना, अभी बोला है कि दे देंगे पेपर वर्क। हाँ पाजी, वो बोले कि इंशाल्लाह 1-1.5 महीना लगेगा, इला मैं नया देंगे। नया देंगे, चलो बढ़िया है, काम होना चाहिए। रोजी रोटी कमाने के लिए बंदा घर से निकलता है, एक इमेज खराब हो जाती है कंट्री की, अगर आपका नहीं बनता आपको वापस जाना पड़ता कि यार मैं कितनी मेहनत करके पहुंचा था, पैसे भी खराब हुए, टाइम भी खराब हुआ, फिर बंदा क्या बोलता है कि यार नाम का कनाडा है, शुक्र है ऊपर वाले का बंदे को संभाल लेता है, ऐसे गिरते 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 करण पाजी जैसे। नहीं बस हम तो यार, तो इन्होंने मेरी कार देके पहचाना। बिल्कुल पाजी, आपकी कार देखे करण पाजी, आपके माँ बाप को खास खास मेरा सलाम दुआ। माँ बाप होते ना हमारे लिए सारी जिंदगी कमाते रहते, उनके बगैर हम कुछ नहीं है। इनके भी बच्चे होंगे, अभी बच्चों के बच्चे होंगे, मैं भी, मैं नाना भी हूँ, अब दादा भी बनने वाला हूँ, बात है ना, मैं बहुत छोटी तो फिर भी देखो एक जज्बा होता है कि हाँ कि मैं कुछ कमा लूँ ताजो उनके लिए कुछ बन जाए, क्योंकि इन्होंने कहाँ लेके जाना है, अभी इन्होंने अपनी जिंदगी का सब कुछ देख लिया, बच्चों के लिए कमा रहे ना, अगर बच्चे बाद में जब इनको जरूरत होगी तो अपना साथ छोड़ जाएंगे, तो लाना थे फिर ऐसे सारी जिंदगी उनके लिए कमाने पे। बिल्कुल, आप जैसे मिले हो ना आके दिल खुश हुआ। आज ना एक अहंकार बोल देते लेकिन उसको अहंकार नहीं, ऊपर वाले का शुक्रिया बोलेंगे कि आज के दिन में तकरीबन 25-30 बंदे हर रास्ते में जगह जगह में मिले, तो इनको ऑफर भी करेंगे आओ कुछ चाहिए, कुछ खाना वाना कुछ। तो अभी हमारे शहर में आए कि बंदे हमारी कंपनी के जा रहे हैं टोरंटो, उनके साथ में ये टोरंटो जा रहे हैं। शाबाश भाई, शुक्रिया तेरा, इसका भी दिल लगा रहता कि मेरी इज्जत की है। अरे ओ सांबा चल, थैंक यू राइड देने के लिए। इसकी फीस लगेगी। की लगेगी फीस? चांटे लगेंगे। चांटे को अरमान को मिलने जा रहा हूँ, अरमान रात को सोया हुआ था। कौन जी? कौन जी? कितो आए जी बाबा? कितो आ गए बाबा? पापा ने कितना मिर्च किया जी का किनो? कितने जी? पापा कितने जी? ओए हाथ लगा के देख रहा है, ओरिजिनल है बंदा। अबा कितू आ गए कोटी तेरा क्यों पा भी जंदा ना लड़का। मम्मा चुक लिया, आ जो आ जो। लेकिन जी जो रिएक्शन दिया है ना भाई इसने, वाह वाह मजा आ गया, मैं तो फिर से जाऊंगा 3-4 दिन के लिए। ये वाली जो सीरीज है, बताओ थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में यार कैसी लगी। ये देखो मेरे को पहचान रहा है, बोलता है बंदा तो वाकब है। मैंने टोटल ये वाले ट्रिप में ना 3000 माइल्स निकाली है। पुरानी वीडियो में मैंने रेट बताए हुए कि 1 माइल्स को सिंगल ट्रेलर को कितने पैसे मिलते हैं कनाडा में। जितनी बार भी हम ट्रेलर में से लोड उतारते हैं उसके पैसे होते हैं। जैसे मैंने 2 बार सरी में उतारा, फिर रिजमर से उठाया, फिर सस्कार्टून में उतारा, ऑल मतलब की सब पे होगा। अपनी अपनी कंपनी का अपना अपना रेट होता है इसमें। अगर आप पहले एपिसोड से शुरू करोगे तो आपको सारे एपिसोड फिर समझ आएंगे कहाँ से गेम शुरू हुई और कैसे कैसे हम कहाँ पे पहुंचे। लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करना, शेयर किया करो वीडियो। मेरी वाइफ मेरे को बहुत सारा बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बना के खिलाएगी, क्योंकि मैं 4-5 दिन के बाद में आया हूँ। तो मिलेंगे कल एक और नई वीडियो में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखा, रब रखा, चढ़ निकला। देखो भाई कौन आ गया, देखो बाप का बाप आ गया, बाप का बाप। मेरे को लग रहा है पापा बोलेंगे रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है बाप। भाई हमारा परिवार मिलाप तो चलता रहेगा। बाय बाय। When you touch my body, girl.
when you're touching my body, go. I want.